हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेफोस स्टडी में। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं सीटेट में जो अभी एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम होगा उसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार से उसका एग्ज़ाम होगा और सिलेबस क्या होगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आपको अच्छे स्कोर जो है इस एग्ज़ाम में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि जब भी नए वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सीटेट का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरने का डेट है वो 27/4 से लेकर के 26/5 तक जो है इसका आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट सबमिशन भी इसका 26/5 तक है और फी का भी सबमिशन डेट 26/5 तक ही है। रात को जो है 12 बजे से पहले आप इस फॉर्म को 26 तारीख से कंप्लीट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है अभी इसका दिया नहीं है कब से होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड इसका दिया हुआ है जुलाई 2023 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच तक जो है इसका एग्ज़ाम चलेगा, जो कि CBT मोड में होगा, मतलब ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। तो इसका अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस इसका क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं सीटेट में दो पेपर का एग्ज़ाम होता है, पेपर वन और पेपर टू का इसमें एग्ज़ाम होता है, जिसमें पेपर वन में जो है 1-5 तक का टीचर बना जाता है। पेपर वन अगर जो पास करिएगा तो 1-5 के टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा और पेपर टू के पास अगर कीजिएगा तो इसमें 6-8 के लिए आप जो है टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें जो है दोनों में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों का एग्ज़ाम में जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 मार्क्स का ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। इसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है दोनों ही पेपर में, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। अब इसका प्रिपरेशन जो है तैयारी कैसे करना है, तो इसका जो है सिलेबस फिक्स्ड है क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसका बहुत दिन तक होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक एग्ज़ाम होता है जिसमें फिक्स सिलेबस है। बार उतना क्वेश्चन जो है इसका जनरेट नहीं हो पाता है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जो है वह सेम हो जाता है। तो इसलिए इसका जो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतर तरीका है वह जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए और सबसे पहले उस क्वेश्चन बैंक को आपको जो है कंप्लीट करना है। उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको जो है पासिंग मार्क्स जो है आराम से आ जाएगा, मतलब 90 नंबर आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर जो सिर्फ कर लीजिएगा समझ के ना, तो 90 मार्क्स जो है आराम से उससे आ जाएगा। और इसमें अगर जो आपको और अच्छा स्कोर करना है तो आप इसके किताब पढ़ना चाहते हैं तो 1-8 का जो है NCERT बुक आप जो है पढ़ सकते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 नंबर होता है, 90 नंबर लाना होता है और OBC के लिए 83 नंबर जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इतना नंबर लाने से जो है आप इसमें पास हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा। पेपर वन के सिलेबस में आपको जो है क्लास 1-5 के लिए टीचर बनने का मौका मिलता है। इसमें आपको तो पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का है। अब जो है किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें जो है 5 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा मैथ से, तीसरा EVS से, इन्वायरमेंटल स्टडी, चौथा Language 1 और Language 2। इन 5 टॉपिक से जो है आपको 30-30 प्रश्न पूछा जाता है। CDP में आपको जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 15 क्वेश्चन आपको जो है CDP जो आप उसका थ्योरी पढ़िएगा उससे आपको 15 प्रश्न पूछा जाएगा और 15 प्रश्न जो है आपको पेडागॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा। पेडागॉजी मतलब होता है कि एक टीचर को बनने के लिए क्या क्या, मतलब बच्चे को किस प्रकार से वो डील करना करेंगे उसी के जानकारी के लिए जो है पेडागॉजी पढ़ा जाता है। तो इसमें जो है 15 प्रश्न आपको पेडागॉजी से पूछा जाएगा और 15 प्रश्न जो है CDP का थ्योरी पेपर से पूछा जाएगा। उसी प्रकार मैथ का भी है, मैथ में भी 30 प्रश्न ही आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको 15 प्रश्न जो है आपको थ्योरी रहेगा, थ्योरी मतलब जो है आपका मैथ से पूछा जाएगा और सिंपल मैथ होता है 1-5 में और जो है 15 प्रश्न जो है इसमें भी पेडागॉजी से पूछा जाएगा। उसी प्रकार EVS जो है इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें भी आपको 30 प्रश्न ही पूछा जाएगा जिसमें 15 प्रश्न जो है आपको EVS इन्वायरमेंटल स्टडी का जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और इसमें 15 प्रश्न जो है इसका भी पेडागॉजी से पूछा जाएगा। उसके बाद जो है Language 1 और Language 2। Language 1 में आप जो है हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लेना है वह ले सकते हैं। Language 1 में यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको इसमें भी 15 प्रश्न जो है आपको और 15 पूछा जाएगा, जिसमें 15 को पेडागॉजी पूछा जाएगा और 15 प्रश्न जो है इसमें आपको पैसेज, गद्यांश और ग्रामर रहेगा, उससे आपको पूछा जाएगा। उसी प्रकार Language 2 में यदि आपका हिंदी होता है तो हिंदी में आपको जो है 15 इसमें भी पूछा जाएगा, 15 प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण और गद्यांश से पूछा जाएगा और 15 जो क्वेश्चन है आपका पेडागॉजी से पूछा जाएगा, हिंदी पेडागॉजी से।
तो 1 to 5 का जो है सारा सिलेबस जो है डिस्कस कर दिए हैं, किस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में जो है क्लास 6 से जो है 8 तक के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, यदि इसमें आप पास हो जाते हैं। इसमें भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का ही होता है। इसमें आपको CDP से प्रश्न पूछा जाएगा, CDP से, लैंग्वेज 1 से, लैंग्वेज 2 से और मैथ साइंस से। यदि आपका जो ऑनर्स पेपर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से पूछा जाएगा, आर्ट्स पेपर है तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री सबसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको जो है CDP 30 प्रश्न का ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको 15 प्रश्न CDP का जो थ्योरी रहेगा उससे और 15 प्रश्न जो है पेडोगोगी से पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 में आपको जो भी हिंदी या फिर अंग्रेजी लेते हैं तो हिंदी अगर जो आप लेते हैं तो 15 प्रश्न इसमें आपको गद्यांश और व्याकरण से पूछा जाएगा और 15 प्रश्न जो है आपको पेडोगोगी से पूछा जाएगा। उसी प्रकार जो है लैंग्वेज 2 में भी आपको, अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं तो इसमें भी आपको जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 15 प्रश्न पैसेज और ग्रामर रहेगा और 15 प्रश्न जो है पेडोगोगी से पूछा जाएगा। अब आते हैं ऑनर्स पेपर जो आपका रहेगा मैथ और साइंस या फिर आर्ट्स पेपर जो भी रहे, दोनों में आपका ऑनर्स पेपर से 60-60 प्रश्न पूछा जाता है। 60-60 प्रश्न में जो है 30 प्रश्न आपका थ्योरी रहता है और 30 प्रश्न जो है आपका पेडोगोगी से पूछा जाता है। उसी प्रकार आर्ट्स में भी है, 30 प्रश्न आपका आर्ट्स GK से पूछा जाएगा और 30 प्रश्न पेडोगोगी से पूछा जाएगा। तो ये था आपका 6 to 8 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस। अब इसमें जो है ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, तो दोनों पेपर में जो है 3 सब्जेक्ट कॉमन है, CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और इसमें जो सेकेंड पेपर में है इसमें सिर्फ एक जो है आपका जो ग्रेजुएशन का आपका पेपर है आर्ट्स साइंस, तो उसका अलग हो जाता है 6 to 8 में। बाकी 3 पेपर जो है यानी आपका 90 नंबर का जो है सिलेबस सेम है। तो आप बेहतरीन अगर जो स्कोर करना चाहते हैं तो CDP और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर ध्यान दे, तो दोनों जो है पेपर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।